दोस्तों, KGF चैप्टर फर्स्ट के बाद KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही खूब नाम कमाया है और रॉकी भाई यश ने भी, जिन्होंने अपने रॉकी भाई के किरदार को बखूबी पर्दे पर निभाकर फिल्म को हिट बनाया है, जहां लोग एक बार फिर इनके एक्टिंग और अंदाज के दीवाने हो गए हैं, तभी तो आज यश करोड़ों की दौलत शोहरत के मालिक बन चुके हैं और अपनी निजी लाइफ में भी अपनी पत्नी के साथ अपना घर बसा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप इनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, पर आज हम आपको इनकी दौलत शोहरत के साथ साथ पत्नी से शादी तक के कहानी के बारे में बताने वाले हैं कि कितने करोड़ के मालिक हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं और उनकी पत्नी से शादी तक की क्या कहानी रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब बातों की जानकारी, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे और इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने फिल्मी करियर में अभिनेता यश ने काफी हिट फिल्में दी हैं, जिसमें से KGF 1 और KGF 2 इनकी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जिसके बाद से आज अपनी लाइफ में उस मुकाम पर हैं जहां इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। बात करें इनके आज की, तो बता दे अभिनेता यश KGF चैप्टर 2 फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, वहीं इनकी आज नेटवर्थ 53 करोड़ है, जिसमें इनका 4 करोड़ का एक आलीशान घर है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज है और यश ने अपने घर को काफी डिजाइनर तरीके से डिजाइन करवाया है, जिसमें आपको अलग अलग तरह की लाइटनिंग देखने को मिलेगी, जिससे कि इनके घर का लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं यश जितना अपने घर के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो वहीं अपने लुक पर भी ये लाखों रुपए खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। बता दे अभिनेता यश वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही तरह के कपड़े कैरी करते हैं, जिसकी कीमत 50,000 से शुरू होती है और इनके ये कपड़े हरमन जैसे ब्रांड के होते हैं और अपने ये लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफी महंगे शूज कैरी करते हैं, जिसमें गुच्ची जैसे ब्रांड शामिल हैं और इनके पास परफ्यूम कलेक्शन भी काफी अच्छा है, जिसमें टॉम फोर्ड जैसे ब्रांड शामिल हैं। अब बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि अभिनेता यश के पास ऑडी Q7 और BMW जैसी कारें हैं, जिसकी कीमत 80 से 70 लाख रुपए है और इनके पास रेंज रोवर जैसी ब्रांड की कारें भी हैं। बात करें अभिनेता यश की शोहरत की, तो आपको बता दें जितना ये अपने फिल्मों से लाखों दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग की कमी नहीं है, तो वहीं इनके इंस्टाग्राम पर भी 8.8 मिलियन फॉलोअर्स है। अब बात यश की पर्सनल लाइफ यानी कि इनकी पत्नी से शादी तक की कहानी के बारे में, तो आपको बता दें इनकी पत्नी का नाम राधिका है, जिनसे इन्होंने 9 दिसंबर 2016 को बेंगलोर में प्राइवेट तरीके से शादी की थी, जिनसे इनकी मुलाकात साल 2004 में नंद गोकुला शो के सेट पर हुई थी, जहां दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और ना ही दोनों ने एक दूसरे से बात की थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी नेगेटिव सोचा था, तो वहीं कई फिल्मों में इन्होंने साथ काम भी किया था, जिसके बावजूद भी ये एक दूसरे को जान नहीं पाए थे। और जब साल 2012 में फिल्म ड्रामा में अभिनेता यश लीड एक्टर के रूप में थे, तो वहीं राधिका को स्टार के रूप में इनके साथ काम कर रही थी और इसी फिल्म के बाद दोनों में दोस्ती हुई थी और काफी टाइम इनकी दोस्ती बनी रही, जिसके कुछ समय बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार का एहसास होने लग गया था और वैलेंटाइन डे पर यश ने राधिका को प्रपोज किया था, जिसके कुछ टाइम बाद ही दोनों ने अपने घर वालों की रजामंदी के बाद एक दूसरे से शादी कर घर बसा लिया, जिनसे आज इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और ये अपनी पत्नी राधिका के साथ काफी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आप अभिनेता यश की दौलत शोहरत और पत्नी से शादी तक की कहानी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।